अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। यार आज मैं आया था जनाब बाग पार्क में वॉक करने के लिए। अब ये देखें, लोग जिधर खाते हैं उधर ही कूड़ा फेंक जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत पार्क है, यकीन करें मैं पूरा ट्रैक ही किसी दिन आपको मूवी बना के दिखाऊंगा, इतना खूबसूरत पार्क है। और ये देखें, ये लड़के आके बैठे हैं, इन्होंने टेबल उठा के वो फेंका एक, और इधर से ये वाला टेबल फेंका, मतलब कोई इनको सफाई तमीज़ ही नहीं है, जिधर खाते हैं उधर ही फेंक जाते हैं। ये देखें आप, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान साफ नहीं है। अब ये देखें, ये सामने डस्टबिन बनी है, एक ये बनी है, उधर बनी है, तीन चार इधर, इसी एरिया में कम से कम भी तीन चार डस्टबिन लगी हुई हैं। तो अगर आप कहते हैं जी अपने मुल्क को आपने अच्छा बनाना है, यूरोप टाइप बनाना है, तो ऐसे थोड़ी होगा, इसको आप साफ रखें। बाहर के लोगों को जाके आप बातें करते हैं जी हमारा मुल्क इतना साफ है, इस तरह इस तरह, बाहर के मुल्क जाना है, अपना मुल्क तो पहले आप साफ करें, जिधर खाते उधर ही हग देते हैं। ये सामने देखें, अब ये देखें, ये लड़के आए हैं, ये इधर बैठे हैं, इन्होंने आते ही ऊपर से टेबल उठा के वो फेंका, वो रेड शर्ट वाले ने, और ये ब्लैक शर्ट वाला जो छोटे कद वाला, इसने इधर से उठा के इधर फेंका। ये कोई बात है यार करने वाली है? इतना खूबसूरत, यकीन करे बहुत खूबसूरत पार्क है, यूरोपियन मॉल पार्क है, तो ये कोई बात है? अब इनके हिस्से का हम साफ करते हैं, हमारा तो प्यारा पाकिस्तान, हमने इधर ही रहना है, तो हम इंशाल्लाह इसकी सफाई करेंगे। और ये आपको दिखाते हैं, जो इन्होंने गंद फेंका वो हम उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं। इधर आइए देखें, ये किसी ने अपनी सालगिरह का गिफ्ट खोला है और इधर ही फेंक दिया इसको। ये लोगों के गंदे शापर हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि हम उधर फेंकते हैं, सामने वो डस्टबिन लगी, अब हम उसके अंदर फेंक के आते हैं ये सारा। ये देखें इधर भी पड़ा, ये भी हम तो आप पाकिस्तान को भी यूरोपियन स्टाइल दे सकते हैं अगर आप इसको साफ सुथरा रखें। जब आप इसकी सफाई नहीं करेंगे, इसको गंदा करेंगे, तो ये किधर कोई बाहर के मुल्क जैसा बनेगा। आप बाहर के मुल्क में जाके बातें तो बहुत करते हैं जी बहुत खूबसूरत है, इस तरह इस तरह, जो आपका अपना मुल्क साफ है उसको तो आप गंदा कर रहे हैं। चलेंगी आप, अगर यही काम आपने आउट ऑफ कंट्री किया होता, जहां आप ख्वाहिशमंद है कि हम सारे चले जाएं वहां पे, तो आपको $500 जुर्माना होता और आपकी तबीयत साफ़ हो जाती। आप इधर ग्रेजुएशन अपने आप को कह रहे हैं, पढ़े लिखे कह रहे हो, माना हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम तमीज़ तो होनी चाहिए इंसान को यार, इतनी तो होनी चाहिए कि सफाई निसफ अमान है। बना के काट के दियो जरा, हम इधर आए थे, कूड़ा वो अभी उठाया, पर मैं नहीं खाऊंगा, कोई नहीं नहीं खाना। ये तो पिज्जा बना दिया बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? ठीक है, सफाई निसफ अमान है, और हमारी ख्वाहिश तो होती है कि हम जहाँ भी जाएं वो साफ़ सुथरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है? सफाई निसफ अमान है, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जहाँ भी जाएं साफ़ सुथरी जगह हो, लेकिन उसको ये भी सोचना चाहिए कि इस जगह को साफ़ सुथरा किसने रखना है, हमने रखना है, खुद हमने आप लोगों ने रखना है, हमने आपने रखना है, ठीक है? तो अब जो ये बेटे ने किया है, सफाई की है इधर आके, मैं तो इसे अप्रिशिएट करूँगा, को भी चाहिए इसको अप्रिशिएट करें। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो इस तरह का गंद फैलाते हैं,
अल्लाह उनको हदायत दे वो इस गंद को खुद उठाना सीख लें, अपने घर का गंद इस तरह पार्कों में खूबसूरत जगह पे डालना गैर मुनासिब बात है, अच्छी बात नहीं है। कि अपने मुल्क को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, ये भी हमारा घर ही है जहाँ पे हम आके बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत जगह है, रात का मंजर है, तारीखी है, पापड़ भी खा रहे हैं, इंतहाई खूबसूरत माहौल है। अल्लाह पाक आप पे करोड़ों रहमत चले जी, आज की वीडियो करते हैं, करम फरमाए, फजल फरमाए। अगर आपको हमारी ये मैसेज वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो हमारे पाकिस्तान को साफ रख सके। बाकी यार इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाथ गंदे से अब मम्मा को, मम्मा से पापा दोनों से खा रहे हैं। ये मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो इसने गंद वगैरह लोगों का उठाया है और उससे इसके हाथ गंदे हो गए, लिहाजा अब इसको मैंने अप्रिशिएट किया ये पापड़ खिला के। थैंक यू वेरी मच।